इस वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बट बीआईएम का जो वीडियो है गाइस, ये काफी बड़ा बन जाएगा। कैसे एक बड़े एमएनसी के अंदर एक बड़े प्रोफाइल यानी बी मैनेजर तक कैसे पहुंच सकते हो, बीडीसी तक कैसे पहुंच सकते हो, तो पहले पार्ट में आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एंट्री कैसे कर सकते हो, एवरेज सैलरी क्या हो सकती है, उसके साथ साथ एंट्री में कौन कौन से सॉफ्टवेयर और कौन कौन से कॉन्सेप्ट की जरूरत है, और बीआईएम की इंडिया में कौन कौन सी कंपनी है, ये आपको मैं पहले पार्ट में बनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं गाइस, आप सबको मैंने एक लास्ट वीडियो बनाया था कि स्ट्रक्चर्स का कंप्लीट रोड मैप यानी स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के अंदर कैसे करियर बनाया जा सकता है, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना चाहिए, बेसिक एंट्री के लिए क्या चाहिए और डिटेल में समझने के लिए क्या चाहिए, वो कंप्लीट मैंने आपको वीडियो बनाया था ये वीडियो, और इस वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बट बीआईएम का जो वीडियो है गाइस, ये काफी बड़ा बन जाएगा, इसलिए बीआईएम के वीडियो को मीन्स मैं कंप्लीट बीआईएम का रोड मैप बताने चल रहा हूँ स्टार्ट टू एंड। कैसे एक बड़े एमएनसी के अंदर एक बड़े प्रोफाइल यानी बी मैनेजर तक कैसे पहुंच सकते हो, बीडीसी तक कैसे पहुंच सकते हो, वहां तक बताऊंगा, लेकिन ये वीडियो दो पार्ट में करना पड़ेगा गाइस, क्योंकि बहुत ज्यादा टॉपिक्स हैं जिनको हमें यहाँ पर कवर करना पड़ेगा। तो पहले पार्ट में आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एंट्री कैसे कर सकते हो, एवरेज सैलरी क्या हो सकती है, उसके साथ साथ एंट्री में कौन कौन से सॉफ्टवेयर और कौन कौन से कॉन्सेप्ट की जरूरत है, और बीआईएम की इंडिया में कौन कौन सी कंपनी है, ये आपको मैं पहले पार्ट में बनाऊंगा। दूसरे पार्ट में आपको जो नेक्स्ट पार्ट आप अगर वो चाहिए तो कमेंट करेंगे कि सर एडवांस टॉपिक भी बताइए, तो मैं नीचे एडवांस टॉपिक के लिए अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो 2 दिन के अंदर ही अपलोड कर दूंगा कि एडवांस टॉपिक कौन कौन से आपको पढ़ने चाहिए। बेसिक टॉपिक्स के बारे में चलिए पहले डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे एंट्री कर सकते हैं, उसके साथ साथ कौन कौन सी कंपनियां हैं वहां पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ क्या एवरेज पैकेज बीम के अंदर मिल रहा है, मुझे कैरियर बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। साथ ही साथ इनको कैसे सीख सकते हो, ये भी आपको मैं बहुत इजी वे में बताने की प्रयास करता हूं। चलिए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं गाइस, जैसे ऑल अबाउट स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग वैसे ऑल अबाउट बीआईएम पार्ट 1 बनाते हैं, क्योंकि हमारे जो टीम के लोग उन्होंने बोला कि 10 मिनट से बड़ी वीडियो मत बनाइए, काफी लोगों का पेशेंस कम हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा चलिए दो पार्ट में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। चलो भाई पहले फटाफट स्टार्ट किया जाए, तो थोड़ा समय दीजिएगा क्योंकि इसमें गाइस समय लगने वाला टॉपिक है, ये कोई ऐसे नहीं कि बस बता दिया, इसके बारे में डिटेल में समझना पड़ता है। तो अगर कंपनी के अंदर आप जा रहे हैं गाइस, तो वहां पर सबसे पहली जो सॉफ्टवेयर से बेसिक मार्केट की इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, इंडस्ट्री इन द सेंस जो इसमें करेंट, क्योंकि आप लोग को पता है जॉब्स गाइड में मैं रेगुलर वीडियो बनाता रहता हूँ कहाँ का ओपनिंग चल रही है, तो मुझे बहुत डिटेल में पता है कि उनको क्या क्या चाहिए होता है। तो सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर जिसके बिना किसी भी कंपनी के अंदर एंट्री ही पॉसिबल नहीं होगी बीम के अंदर, वो है रेविट। रेविट की जब बात की जाए तो उसमें आर्किटेक्चर का भी बात करिए, स्ट्रक्चर की बात करिए और एमईपी की बात करिए। अब इसके डिटेल में भी आऊंगा बट अभी थोड़ा सा बेसिक में बता देता हूँ। दूसरा जो टॉपिक है गाइस वो आपको आना चाहिए, टॉपिक इन से सॉफ्टवेयर, सॉरी सॉफ्टवेयर होना चाहिए आपको, वो होना चाहिए नेविस वर्क, ठीक है। नेविस वर्क का फुल नॉलेज होना चाहिए गाइस के नेविस, क्योंकि नेविस वर्क के अंदर क्या करते हैं गाइस, 4D का काम करते हैं, इसमें आप टाइम का सिमुलेशन करते हो, 5D का काम करते हो, इसमें आप कॉस्ट को एस्टिमेट करते हो, तो उसके साथ ही साथ इसमें सिमुलेशन करते हो। सिमुलेशन आपने देखा होगा कुछ वीडियो यूट्यूब पे, फुटिंग आया, फुटिंग बाद कॉलम आया, कॉलम बाद बीम आया, बीम बाद स्लैब आया, वो क्या था, वो सिमुलेशन था, कहाँ होता है, नेविस वर्क में आप आराम से कर सकते हो। उसके अलावा गाइस नेविस वर्क के अंदर आप क्लास डिडक्शन करते हो, ये क्या होता है, क्लास डिडक्शन यानी एक कॉलम रखा था, इस कॉलम के पास एक यहाँ से फायर फाइटिंग की पाइप जा रही थी, टकराने वाली है, जब टकराएगी तो यहाँ क्लैश निकल आएगा, जो क्लैश बड़ी बड़ी बिल्डिंग में बहुत प्रॉब्लम करता है, उसको क्लैश को डिडक्शन करने के लिए, सॉल्व करने के लिए नेविस वर्क भाई साहब की मदद लेनी पड़ती है। चलिए और बताते हैं नेक्स्ट सॉफ्टवेयर गाइस, बस ज्यादा आपको ज्यादा सॉफ्टवेयर सीखने की जरूरत नहीं है, ये तीन सॉफ्टवेयर हैं। ये तीन सॉफ्टवेयर अगर आपने सीख लिया टेक्ला, क्योंकि जितनी भी बड़ी कंपनियां होंगी या तो रेविट और या टेक्ला, या फिर रेविट और टेक्ला दोनों को यूज करती है जो भी एमएनसीज होती है, तो एंट्री लेवल के लिए भी ये तीन सॉफ्टवेयर अगर आप सीख लेते हैं तो दैट इज 100% सफिशियंट टू एंट्री इन द कंपनी, ठीक है। वैसे रेविट और नेविस वर्क में हो जाता है, बट जो अच्छी कंपनियां होती है जिनके पैकेज ठीक ठाक होते हैं वो टेक्ला भी रिक्वायर्ड करते हैं, तो इसलिए तीनों सॉफ्टवेयर को। अब समझते हैं गाइस कि क्या तीनों सॉफ्टवेयर सीख के सर हम जा सकते हैं बीम में, बिल्कुल नहीं जा सकते। तीनों सॉफ्टवेयर सीखने के बाद कॉन्सेप्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, प्लस इन तीनों सॉफ्टवेयर को तभी सीखिएगा जब आपका पहले से ऑटोकैड का नॉलेज मस्ट हो, ठीक है। अगर आपको ऑटोकैड नहीं आता है तो इन सॉफ्टवेयर को जब सीखेंगे माउस पर हाथ ही नहीं चलेगा, पूरा खराब कर देंगे, सॉफ्टवेयर को कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। तो अगर आपने ऑटोकैड नहीं सीखा हुआ है तो इसको मत सीखिए, ऑटोकैड सीखा है तो इसको सीखिए। इसीलिए गाइस जो हम लोग की बीम की ट्रेनिंग होती है, आप लोगों को पता है जो गुरुकुल की ट्रेनिंग होती है, जिसका भी न्यू बैच जो है वो 10th of July से स्टार्ट हो रहा है यूनिंग में, तो आप उसका फटाफट यहाँ पर एक नंबर दिया, उस नंबर पर आप डिटेल में उसके बारे में जान सकते हो, क्या पढ़ाएंगे सर, क्या रहेगा सिलेबस, पूरा डिटेल में है, ठीक है। आप कॉल करके थोड़ा सा परेशान करो उनको,
पूछो, व्हाट्सएप पर कॉल करो, सॉरी व्हाट्सएप पर कॉल मत करो, व्हाट्सएप पर मैसेज करो और कॉल करके पूछ सकते हो कि सर बीम के सर जो बैच स्टार्ट हो रही है वहां पर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले ऑटोकैड पढ़ाते हैं। कई लोग बोलते हैं सर ऑटोकैड तो मुझे आता है, जब मैं पूछता हूँ अच्छे बताओ कि बिल्डिंग बाई लॉ के अकॉर्डिंग प्लान कैसे बनाएंगे, बोलेंगे ये क्या होता है सर, बेकार हो गया ना। किसी से पूछा समेशन ड्रॉइंग वर्किंग ड्रॉइंग में डिफरेंस बताओ, पता ही नहीं है, तो फिर बेकार हो गया ना मेरा इसके ऑटोकैड। किसी से पूछा कि रेरा के रूल्स क्या है कार्पेट एरिया को लेके, रेरा के रूल्स क्या है बिल्टअप एरिया को लेके, पता ही नहीं है। तो भैया कॉन्सेप्ट वाइज ऑटोकैड अगर आपको आता है तब आप इस पे जाइएगा। इसीलिए मैं ट्रेनिंग में स्टार्टिंग के 15 दिन, कई लोगों को थोड़ा बहुत ऑटोकैड आता रहता है, ऐसी बात नहीं है, जिसको प्लान किसी को आता है, किसी को सेक्शन एलिवेशन आता है, बट रूल के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए 15 दिन में पहले सिखा के तब मैं एक्चुअल ट्रेनिंग स्टार्ट करवाता हूँ आपका। इसीलिए कभी कभी हमारा जो ट्रेनिंग है वो 4 महीने 10 दिन 15 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है गाइस। तो गाइस हमें रेविट आना चाहिए आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर एमईपी, जिसमें कम से कम आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर का अच्छा नॉलेज, एमईपी का अगर बेसिक भी नॉलेज है तो चल जाएगा, उसके बाद नेवी स्वर, उसके बाद टिक रहा। अब लोग सर इतना सीख लिया तो एंट्री फिक्स, नहीं थोड़ा सा रुको, क्या कुछ कॉन्सेप्ट है गाइस, क्या क्या कॉन्सेप्ट है यही बता देता हूँ आपको कॉन्सेप्ट। तो भाई साहब चले जाओ, हाँ ठीक है। कॉन्सेप्ट में गए, सबसे पहला चीज की अगर आपको बताया जाए तो वह है व्हाट इज बी आई एम। इसके बिना तो स्वभाव सी बात है एंट्री नहीं है, ठीक है। व्हाट इज बी आई एम सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। बी आई एम के बाद इसमें आपको पता होना चाहिए सबसे ज्यादा एलओडी के बारे में। किसके बारे में गाइस? एलओडी के बारे में, यानी लेवल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। LOD 100 क्या होता है, LOD 200 क्या होता है, LOD 300 क्या होता है, 350 क्या है, 400 क्या है, 500 क्या है, डिटेल में आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। बेसिक बीम में एंट्री करने के लिए बहुत कंपलसरी है। उसके साथ ही साथ गाइस आपको पता होना चाहिए इसके अंदर 1D 2 8D, ठीक है। 1D क्या है, 2D क्या है, 3D क्या है, 4D क्या है, 5D क्या है, 6D क्या है, 7D क्या है, 8D क्या है। मेरे ही कई डेटा सर वीडियोज है डिटेल में, जो मैं अभी सेमिनार्स वगैरह लेता हूँ उसको अगर आप सर्च करेंगे बहुत ढेर सारे वीडियोज मिल जाएंगे उसके बारे में। प्लस डिटेल में इसकी सिलेबस जो है जब अभी लेके आऊंगा नेक्स्ट पार्ट, उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा 1D के बारे में, 2D 3D पूरा डिटेल में आपको क्या क्या आना चाहिए इसके अंदर। उसके साथ ही साथ गैस इसके अंदर आपको पता होना चाहिए बीईपी के बारे में। किसके बारे में गैस? बीईपी यानी बीम एजुकेशन प्लान के बारे में पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे हम बीम एजुकेशन प्लान का आउटलाइन तैयार करते हैं, क्या क्या चीजें उसके अंदर इंक्लूड करना पड़ता है, क्या है बीईपी इसके बारे में पता होना चाहिए। उसके साथ साथ गैस आपको कंपनी या तो आपको रखेगी स्कैन टू बीम के लिए स्टार्टिंग में, या फिर कंपनी आपको रखेगी कैट टू बीआईएम के बारे में। इसके बारे में गाइस कैट टू बीआईएम के बारे में, तो ये दोनों के बारे में नॉलेज पता होना चाहिए। स्कैन टू बीएम क्या है, कैट टू बीआईएम क्या है, बीईपी क्या है, 1D 2 8D, एलओडी, बीआईएम, ये तो बेसिक बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो पता होना चाहिए आपको। इसके साथ ही साथ आपको ये थोड़ा सा मैंने बता दिया कॉन्सेप्ट। सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, जैसे कि रैबिट की अगर बात करूं तो रैबिट में भाई आपको रैबिट की फैमिली के बारे में जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। रैबिट फैमिली इसमें पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक फैमिली दोनों पता होना चाहिए। जैसे थोड़ा नेस्टेड फैमिली के बारे में पढ़ लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। उसके साथ साथ गाइस रैबिट के अंदर अगर बात करूं तो रैबिट के अंदर आप सेंट्रल फाइल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको सेंट्रल फाइल बनाना आना चाहिए। उसके साथ साथ गाइस रैबिट के अंदर पैरामीटर्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, क्या होते हैं पैरामीटर्स, ठीक है। पैरामीटर्स के बारे में खूब अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा रैबिट के अंदर रैबिट स्ट्रक्चर का जो पार्ट, उसमें डिटेलिंग्स, डिटेलिंग के लिए SP34 का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अगर SP34 आपने नहीं पढ़ा है तो आप रेवी स्ट्रक्चर के अंदर डिटेलिंग करोगे, हवा में डिटेलिंग्स होगी, ठीक है। डिटेलिंग में नो डाउट कंपनी तो ये पूछ लेगी आपसे कि ठीक है आप कॉलम में रेनफोर्समेंट डालो, बीम में रेनफोर्समेंट, बट कॉन्सेप्ट वाइज कैसे डालना है वो SP34 आपको सिखाता है। SP34 के थ्रू आप इसको सीख सकते हो, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि SP34, पैरामेट्रिक फैमिली, सेंट्रल फाइल एंड फैमिली, ये अगर एंट्री के लेवल पे आपने सीख रखा है तो पर्याप्त है, आपकी एंट्री हो जाएगी। अब वो लोग सर डिटेल में फिर क्या सीखेंगे, डिटेल में और भी बहुत सी चीजें गाइस, जैसे कोवी के बारे में आपको समझना पड़ेगा, लेवल ऑफ मैच्योरिटी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, लेवल ऑफ डिटेलिंग के बारे में समझना पड़ेगा। वो मैं अगर आप कमेंट करेंगे तो डिटेल में 10-15 मिनट लगेगा, उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा, उसका प्रॉपर एक सिलेबस दे दूंगा, आप आराम से घर पे बैठ के पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा ATS फ्रेंडली रिज्यूम बनाना पड़ता है, जो मैं गुरुकुल के बच्चों को बताता हूँ कि ATS फ्रेंडली रिज्यूम, क्योंकि शॉर्टलिस्ट आपकी रिज्यूम होगी ही नहीं जब तक ATS फ्रेंडली नहीं होगी। ATS फ्रेंडली रिज्यूम के लिए कौन कौन से कीवर्ड्स यूज करने पड़ते हैं, उसके अलावा बिना अच्छे पोर्टफोलियो के, अच्छा पोर्टफोलियो इन द सेंस पोर्टफोलियो में कई चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए, ये ऐड होना चाहिए पोर्टफोलियो में। अगर आप कमेंट करेंगे डिटेल वीडियो के लिए यानी एडवांस वीडियो के लिए, मैं फिक्स मानिए 2 दिन के अंदर आपको वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें आप पोर्टफोलियो बना रहे तो उसे पोर्टफोलियो में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, रिज्यूम बना रहे तो रिज्यूम में क्या क्या चीजें होनी चाहिए डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। बस आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और 2 दिन के अंदर आपको फटाफट बना के एडिटर को बोल के एडिट करवा के वीडियो दे दूंगा। अब चलिए अच्छे फटाफट देखते हैं गाइस कि हम लोग
बीम के अंदर सैलरी क्या ले सकते हैं, एवरेज सैलरी सेम इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। वही एवरेज सैलरी की अगर बात करें बीम के अंदर, तो इस समय जो एवरेज सैलरी चल रहा है वो चल रहा है बीम के अंदर, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं, एंडिंग की नहीं, मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, 4.5, कितना 4.5 लाख का पैकेज यहाँ पर गाइस एवरेज में चल रहा है, कितना 4.5 लाख का पैकेज एवरेज में चल रहा है। अब ये हो सकता है आपको 3 मिले, हो सकता है आपको 4.2 मिले, हो सकता है 4.5। मैं खुद का कोई डाटा यूज नहीं कर रहा हूँ गाइस, ये ambition.com है, इनकी बहुत ऑफिशियल और ट्रस्टेड वेबसाइट है, जो ये लोग ऑलरेडी ओपनिंग्स भी निकालते हैं, बीम के कंपनियों के बारे में भी बताते हैं, इनके द्वारा जो दिया गया वो मैं आपको बता रहा हूँ। साथ ही साथ गाइस, और ये बहुत ही ट्रस्टेड है क्योंकि प्रैक्टिकली मुझे भी पता है कि कितना देते हैं, बट मैं खुद से बोलूंगा तो लोग सोचेंगे अरे सर ने तो अपने हिसाब से बता दिया कितना पैकेज दे रहे हैं, इसीलिए मैं रेफरेंस के लिए आपको दिखाया। प्लस बीम की कौन कौन सी कंपनियां, ये भी मुझे पता है, लेकिन मैं आपको प्रॉपर रेफरेंस दिखाना चाहूंगा, कंपनीज फॉर BIM मॉडलर इन इंडिया, ठीक है। BIM के लिए कौन कौन सी कंपनीज है ये देख लीजिए, आप चाहे तो उसको शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, किसके थ्रू शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर फिल्टर कर सकते हैं कि मुझे एग्जैक्टली इस लोकेशन का चाहिए तो उस लोकेशन का भी मिल जाएगा। बाकी आप देख लीजिए, ई कॉमर्स अपाचे पलनजी है, लेजर एंड टर्बो है, रामटेक है, द बीम इंजीनियर्स है, एटकिंस है, लॉजिस्टिक टेक सॉल्यूशंस है, पिनेकल है, ठीक है, JCE इंजीनियरिंग्स है, ठीक है। इन कंपनियों में हमें क्या क्या पूछा जाता है, अगर आप कमेंट करेंगे तो जो एडवांस वीडियो रहेगा इसमें आपको पोर्टफोलियो में क्या क्या ऐड करना है, रिज्यूम में क्या क्या ऐड करना है, और एक्स्ट्रा क्या क्या पढ़ना चाहिए बीम के अंदर, उसी में कवर कर दूंगा कि इन कंपनियों को क्या क्या चाहिए होता है। इनकी JD दिखाऊंगा मैं आपको कि देखिए इनकी JD ये है, JD मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए। देखिए रैमबॉल है, रैमबॉल वन ऑफ द बीम की बेस्ट कंपनी है, एवरेज पैकेज देखिए 7 लाख का पैकेज है गाइस, ठीक है। ऐसे कई ढेर सारे BDC कंसल्टेंट, देखिए इनका 3 लाख का पैकेज है, ठीक है। L&T कंस्ट्रक्शन 5.9 का है, जो कैप्स बहुत अच्छी कंपनी है, देखिए 6 लाख का पैकेज है। ऐसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या सैलरी मिलती है। साथ ही साथ ये वेबसाइट इतनी अच्छी है कि यहाँ पर इंटरव्यू के काफी क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, ठीक है। कौन कौन से क्वेश्चंस, आइए देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, कि बीम के अंदर क्या पूछेंगे। देखिए अभी मैंने बताया बीम नॉलेज मतलब व्हाट इज BIM, मैंने आपको बता दिया पूछेंगे। फिर मैंने आपको थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था रेविट के बारे में, तो रेविट आपने देख लिया, ठीक है। और कंपनियां क्या क्या पूछ रही हैं आपके सामने, आपको कुछ क्वेश्चंस देख सकते हैं। पोर्टफोलियो मैंने आपको बताया कि पोर्टफोलियो में क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद और भी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स मैंने आपको यहाँ पर बताया कि क्या क्या हमें रेविट में आपको पता होना चाहिए उसके बारे में, ये सब का सब के सब क्वेश्चन आपको रखे हुए हैं। यहाँ पर आप बीम के अंदर क्वेश्चन भी देख सकते हैं कि इंटरव्यू क्या पूछे जा रहे हैं, जॉब्स कौन कौन सी इसमें चल रही है मार्केट में अच्छी वाली, वो जॉब्स भी देख सकते हैं। सीनियर लेवल पर, मॉड्यूलर लेवल पे हर एक जॉब, देखिए 10 साल 20 साल एक्सपीरियंस वाली, फ्रेशर्स वाली, हर एक जॉब आपको यहाँ पर मिल जाएगा और बड़े ही अच्छे तरीके से मिल जाता है। तो अभी कुछ लड़के हैं न्यू शॉर्ट में हमारे इंटरव्यू ऑलरेडी क्रैक कर चुके हैं, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं क्या क्या इनकी रिक्वायरमेंट है। बेसिक जो मैं बता रहा हूँ यही रिक्वायरमेंट्स है गाइस, डिटेल एडवांस चाहिए आपको कि पोर्टफोलियो में क्या मिला है, ATS फ्रेंडली रिज्यूम कैसे बनाए, कवर लेटर क्या होता है, डिटेल उसके बारे में जानना है कि और सिलेबस में क्या पढ़ें, तो आप कमेंट करिए, 2 दिन के बाद उसको ही बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको वैल्यू ऐड किया होगा, मैंने आपको बताया कि क्या क्या एडवांस और क्या क्या कॉन्सेप्ट और क्या क्या सॉफ्टवेयर हमें आना चाहिए, मैंने आपको बताया एवरेज सैलरी के बारे में, मैंने आपको बताया जो भी इनकी बेस्ट कंपनीज है उनकी लिस्ट कैसे आप फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं पोर्टफोलियो, कवर लेटर, ये सब कवर करना चाहूंगा। अगर आप लोग बहुत ढेर सारे इसको प्यार देंगे, इस वीडियो को दबा के लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और साथ ही साथ गाइस शेयर करना, क्योंकि काफी मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस को बनाने के लिए, काफी समय जाया करना पड़ता है, इन द सेंस में समय को स्पेंड करना पड़ता है, उसके बाद ये समय को फिर एडिटर बेचारों को भी एडिट करना पड़ता है। आप थोड़े से लाइक करेंगे क्योंकि ऑफकोर्स आपको पता है बीम के बारे में ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है, तो अगर आप लोग स्प्रेड नहीं करेंगे तो लोगों तक ज्यादा जाने ही वाला नहीं, तो हो सकता है हमारा भी मोटिवेशन डाउन हो, इसलिए वैसे डाउन नहीं होगा, काफी दिन से संघर्ष कर रहे हैं, करते रहेंगे। इसलिए जय हिंद, जय भारत।